अब देश के अंदर भी खत्म होंगी आतंकी पैदा करने वाली फैक्ट्री। जम्मू कश्मीर से बैंक खातों के जरिए भेजा जा रहा था आतंक के लिए पैसा। 22 फरवरी को यूपी एटीएस ने सहारनपुर के देवबंद से दो संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी कर जैश ए मोहम्मद के उस नापाक इरादे की नींव तहस नहस कर दी, जिसके जरिए देश में भोले भाले युवकों को बरगलाकर भारत के खिलाफ ही तैयार किया जाना था। रिमांड के दौरान दोनों संदिग्धों से हुई पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला था। एटीएस की पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार शाहनवाज हुसैन तेली और आकिब देवबंद में बिना एडमिशन के रह रहे थे। शाहनवाज देवबंद में फर्जी नाम से आधार कार्ड बनवा कर रह रहा था। बरामद आधार कार्ड में उसका नाम नवाज अहमद तेली लिखा हुआ है। इन दोनों ने अपने कमरे में जैश ए मोहम्मद के एरिया कमांडर को न्योता दिया था, बाकायदा पार्टी की थी। उस पार्टी में कई स्टूडेंट शामिल हुए थे, कुछ बाहरी लोग भी थे, यानी वो एरिया कमांडर सिर्फ इन दोनों लोगों के संपर्क में नहीं था बल्कि कई युवाओं को अपनी जिहादी बातों में फंसा चुका होगा। इतना ही नहीं, पूछताछ में ये भी पता चला कि एरिया कमांडर सहारनपुर के अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ भी गया था और मेरठ, अलीगढ़ समेत कुछ और जिलों में भी गया था। गिरफ्तार होने से पहले शाहनवाज तेली और आकिब अहमद एक महीने दिल्ली में रहे थे। इसकी पड़ताल की जा रही है कि दिल्ली में वो अहम जगहों की रेकी करने के लिए रुके थे या राजधानी में अपना संपर्क बढ़ा रहे थे। इन दोनों संदिग्धों के मोबाइल से 12 से अधिक ऐसे नंबर मिले हैं जिन्हें जैश का आतंकियों का बताया जा रहा है। इसके अलावा तमाम वर्चुअल नंबरों को भी तलाशा जा रहा है जिनसे वो सीमा पार बात करते थे। एटीएस के अफसर इन नंबरों की पड़ताल में जुटे हैं। आईपी एड्रेस खंगाल कर पहचान की कोशिश की जा रही है। सहारनपुर के देवबंद से गिरफ्तार जैश ए मोहम्मद के दोनों आतंकी शहनवाज और आकिब को जेल में दाखिल कर दिया गया है। यूपी एटीएस ने उनकी रिमांड नहीं ली। इससे पहले यूपी एटीएस ने करीब 10 दिन की रिमांड के दौरान इन दोनों ही आतंकियों से तमाम जानकारियां इकट्ठी की। ऐसे में आज ये कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी एटीएस इन दोनों ही आतंकियों को कोर्ट में पेश करके दोबारा रिमांड ले सकती है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से यूपी एटीएस ने इन दोनों को कोर्ट में दाखिल नहीं किया, जिसके बाद अब इनको जेल में दाखिल कर दिया गया है। लेकिन इस पूछताछ में जो अहम खुलासा हुआ वो ये कि इन दोनों की फंडिंग जम्मू कश्मीर के बैंक खातों से होती थी। एटीएस को कश्मीर में ऐसे 7 बैंक खाते मिले हैं जिनसे दोनों संदिग्धों के अकाउंट में कई बार पैसा ट्रांसफर किया गया था। पिछले 20 दिनों में ही 20,000 की रकम शाहनवाज के खाते में आई थी और कई बार दोनों के खातों में 5,000 से 10,000 रुपए डाले गए थे। एटीएस इस मामले में एनआईए के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पुलिस से जानकारी साझा कर रही है। यूपी एटीएस ने देवबंद में छापेमारी के दौरान शाहनवाज और आकिब के पास से 32 बोर की पिस्टल, 30 कारतूस, कुछ फोटो और वीडियो बरामद किए थे। यूपी पुलिस ने बताया कि शाहनवाज ग्रेनेड बनाने में माहिर है। खुफिया जानकारी के मुताबिक देश में जैश के स्लीपर सेल सक्रिय हैं, जो धीरे धीरे युवाओं को बरगला कर आतंकी वारदातों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि एटीएस इन दोनों को दोबारा रिमांड पर लेकर दिल्ली और जम्मू जाएगी और खोजा जाएगा कि इनका पुलवामा हमले से कोई कनेक्शन तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।